अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और ख़ास खबर के लिए। परभनी यूं ही नहीं माना जाता है, जगह जर्मनी और भारतात परभनी हकीकत बात है। यहाँ पर हर आए दिन कुछ ना कुछ नया होता है और परभनी शहर ऐसा शहर है, परभनी ज़िला ऐसा ज़िला है, यहाँ कुछ ना कुछ नया होता है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता वो परभनी में होता, जो पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता वो परभनी में होता है। यही मिसाल देखने को मिली है। परभनी शहर के पॉलिटिक्स में जिस तरह से गति आती हुई नज़र आ रही है, 3 जनवरी 2024 को परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर महानगर निका के माजी उप महापौर सैयद समी माजूलाला, इनका ताफा 50 लोग इनके साथ में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में शामिल हो चुके हैं और सिर्फ परभणी शहर के विकास को लेकर 3 जनवरी 2024 को ये मुंबई जाकर इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके हाथों से शुभ बंधन बांध कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनकी शिवसेना में शामिल होने का इन्होंने जिस तरह से बीड़ा उठाया है, ये लोग शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनकी शिवसेना के अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सईद खान, इनकी भी इस वक्त मौजूदगी थी। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत, परभनी शहर के सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल हफीज चाउस, ये भी इस वक्त मौजूद थे। 50 नगर सेवकों को जिस तरह से इन्होंने एक साथ परभनी ज़िले के 50 नगर सेवकों को और मान्यवर शख्सियतों को शिवसेना में लेकर गए और शिवसेना को एक्टिव करने का काम भी इन्होंने किया है, परभणी शहर के विकास के लिए ये काम इन्होंने किया है, ऐसा भी यहाँ के लोगों को मानना है। आने वाले वक्त में क्या शिवसेना को मुस्लिम समाज के लोग वोट देते हैं या नहीं देते हैं, यह आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। ले परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद समी माजूलाला, ये जिस तरह से यहाँ के लोगों के दिल पर चढ़े हुए हैं, आने वाले वक्त में किस तरह से लोग इनसे काम लेते हैं और शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे क्या 150 करोड़ रुपये का परभणी शहर के विकास के लिए विकास निधि देने वाले, ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। परभणी ज़िले के पाथरी शहर, परभणी ज़िले के पालम शहर, परभणी ज़िले के पूर्णा शहर, परभणी ज़िले के जिंतूर शहर में जिस तरह से विकास काम हो रहे हैं, उसी तरह से परभणी शहर में भी विकास काम होना चाहिए, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनसे, परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद समी माजूलाला, इन्होंने आश्वासन लिया है और आश्वासन लेने के बाद ही उन्होंने शिवबंधन बांधकर शिवसेना में प्रवेश किया है। ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से मुंबई जाकर शिवसेना में ये लोग प्रवेश हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इन्होंने पूरे महाराष्ट्र को विकसित करने का बीड़ा उठाया है और उसी के चलते जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से शिवसेना में लोग ज्वाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं, शिवसेना को लोग मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। परभणी की जानी मानी शख्सियत प्रभाग नंबर 8 के नगर सेवक कलीम अंसारी, उसी के साथ में परभणी शहर की जानी मानी शख्सियत रफत खान साहब, उसी के साथ में सैयद सिराज, इन्हीं के साथ में तमाम लोग, अफसर खान उर्फ गुड्डू, सैयद सिराज, इनके साथ में आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से इन्हें जावेद भाई, सैयद सिराज, उसी के साथ में अनवर फुलारी, तमाम लोग नज़र आ रहे हैं परभणी के, तमाम लोग ये आप ये देख लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये किस तरह से शिवसेना की दस्तियाँ इन्हें इनके गलों में डालते हुए नज़र आ रहे हैं। शिवसेना से ऑलरेडी पहले ही डॉक्टर राहुल पाटिल ये आमदार है और इनकी विधानसभा मतदार संघ में जिस तरह से अब टक्कर काठे की होने वाली है, 2024 में जिस तरह से यहाँ पर इलेक्शन होने वाले है, इस वक्त कौन जीत कर आएगा ये उस वक्त पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल गर्माता हुआ नज़र आ रहा है, एक तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इनकी शिवसेना और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनकी शिवसेना, ये तमाम लोग शिवसैनिक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी दो गट हो चुके हैं और शिवसेना में भी 2 गट हो चुके हैं, अब कौन सा गट विजय होगा ये आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से विकास का मामला आता है, विकास को लेकर काम किया जा रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ये विकास को ज़्यादा तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते महाराष्ट्र भर से ये तमाम लोगों को जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना किस तरह से काम करेगी, पिछले 35 साल से लगातार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में अपना दबदबा वर्चस्व बनाए हुए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब इनकी शिवसेना किस तरह से काम करेगी ये आने वाले वक्त में आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा। जिस तरह से
परभणी शहर के जाने माने लोग जिस तरह से शिवसेना में शामिल हो रहे हैं, ये नज़ारा मुंबई का हाँ आपको बता रहे हैं कि मुंबई में जाकर ये लोग किस तरह से शिवसेना में शामिल हुए हैं और आने वाले वक्त में परभणी शहर को विकास की ओर किस तरह से ले जाया जाएगा। अनेक वर्षापासून परभणी महापालिका यांची ताकद होती, हे परभणी महापालिकामध्ये महापौर होते सचिवाला जनतामधून निवडून आले आणि त्यांचे भाऊ बाजूलाला यांचा आणि हफीज चौक यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षापासून परभणी महापालिका त्यांच्या ताब्यात होती आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आज 30 नगरसेवकांना परभणी महापालिकाचे शिवसेना अध्यक्ष शिंदे साहेबांचं बघून महाराष्ट्र भाजपा पद्धतीने शिंदे साहेबांचं काम आहे आणि अनेक वर्षापासून परभणी महापालिकाचे अनेक विषय प्रलंबित पडले होते विकासात पालकमध्ये आणि अनेक नगरसेवक परभणी जिल्ह्याचे आज कमीत कमी परभणी जिल्ह्याचा पार केलेला आहे। एकनाथ शिंदे साहेबांवर विश्वास अल्पसंख्याकने सर्व समाजाचे नगरसेवक शिवसेना नगरसेवकांना प्रवेश केलेला आहे। आज एक मोठी ताकद परभणीमध्ये बाजूलाला नवीन चौकचे माध्यमातून आणि आमचे 30 नगरसेवक आलेले आणि जिंतूरचे टीका खान जे नगरसेवक आहेत त्यांच्यासोबत आधी माझी 15 नगरसेवक आलेले असे परभणी जिल्ह्याचे 50 नगरसेवक आज एकनाथ शिंदे साहेबांच्या विश्वासात ठेवून प्रवेश केलेला आहे। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24x7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24x7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24x7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद।